हम हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किए हुए हैं और यहाँ से हम आपको बताने वाले हैं कि पार्ट टू रिजल्ट के लिए लिंक है अचानक एक्टिव हो गया है, जारी कर दिया गया। क्या ये सही बात है और रिजल्ट आप चेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? पार्ट टू का एग्जाम दिए हुए लगभग 2 महीना पूरने का है और 60 दिन के भीतर रिजल्ट जारी करना होता है। यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अनुसार जो है किसी भी सत्र का रिजल्ट 2 महीने के भीतर डाउनलोड करना होता है, ठीक है, मतलब जारी करना पड़ता है 60 दिनों के भीतर। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप देखिए यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 सब रिजल्ट चेक करने का लिंक तो है। यहाँ पर देखिए चेक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने जो है पार्ट 2 रिजल्ट चेक करने का लिंक और एक्टिव हो जाता है, यानी यह चालू है। लेकिन ये सत्र आप लोग देख रहे होंगे तो 21 से 24 है, लेकिन आप लोग 22 से 25 है, यहाँ से आपका चेक नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सत्य है। तो ये हम बैक हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से नहीं होगा। फिर आपको नीचे आ जाना, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू रिजल्ट पार्ट 2, ये लिंक है पार्ट 2 रिजल्ट चेक करने का। तो इस पर हम लोग क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। अब जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री पार्ट 2 रिजल्ट चेक करने का लिंक एक्टिव हो गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, फटाफट आपको रोल नंबर डाल देना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर रोल नंबर डाल देते हैं, कोई सा भी रोल नंबर है हमारे पास है, मान लीजिए कुछ भी है डाल देते हैं, ठीक है, और हमें पता नहीं है कितना है नहीं है, लेकिन कुछ भी मान लीजिए जितने अंक का होता है डाल दिया और यहाँ पर हम सर्च कर देते हैं। अब प्लीज इंटर करेक्ट रोल नंबर, यहाँ पर जो रोल नंबर जो हमने डाले हैं ये बिल्कुल रूप से गलत डाल दिए हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर आकर के एक बार चेक करने का प्रयास कीजिएगा। ये वो कैसे चेक करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब आपको हम सच्चाई बताते हैं क्या रिजल्ट जारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके लिए आपको क्या करते हैं, सही जानकारी लेना है तो आपको गूगल पे जाकर के MNC क्लासेस सर्च कीजिएगा, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कंफर्म जानकारी, बिल्कुल सही सही मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं, तो अभी जो है पार्ट 2 का परीक्षा हुआ, 2 महीना पूरा भी नहीं है, लगभग 13 सितंबर से 14 सितंबर को 60 दिन पूर जाएगा। तो 13 सितंबर के बाद ही रिजल्ट जारी करने की कोई भी संभावना है। अभी कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हुआ है, लिंक दे दिया गया है, लेकिन वहां से आप रिजल्ट चेक नहीं कर पाएंगे। कारण है कि रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है, अचानक की बात है, तो अचानक लिंक मिला लेकिन वहाँ पर चेक आप नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होगा तो इसके लेकर के नोटिस भी जारी होगा, अगर नोटिस जारी नहीं होती है तो पेपर में इस बात को ज़रूर बताया जाएगा, और जैसे ही बताया जाएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, पार्ट 2 रिजल्ट आते ही सबसे पहले जानकारी देंगे। और पार्ट 3 की तैयारी के लिए आपको अभी से ज्वाइन हो जाना है। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को देखते ही होंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पार्ट 3 का कंटेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि अब जो है केवल और केवल आपका ऑनर्स पेपर का ही परीक्षा होने वाला है। चेक करने का सारा प्रोसेस तो हम यहाँ पर आपको बता ही दिए हैं, कैसे करना है नहीं करना है। इसमें आपको नीचे आना है, ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करेंगे आपके सामने है, नीचे सारे ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पार्ट 2 रिजल्ट पर क्लिक करके चेक करने का प्रयास करना है। चेक तो नहीं हो पाएगा, कन्फर्म है, जारी होता है तो चेक हो पाता है, लेकिन अभी जारी नहीं हुआ है, कॉपियों का मूल्यांकन ही शुरू हुआ है। अभी आप लोग का नामांकन चल रहा है पार्ट 3 में, तो जहाँ अभी है जिस भी कॉलेज में है उस कॉलेज में जाकर के आप नामांकन पहले सुनिश्चित करा लीजिए, तब जाकर के आगे का प्रोसेस होगा। बाकी दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, ये छोटी सी जानकारी थी लेकिन काफ़ी ज़रूरी जानकारी थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।